अरे चौकसे साहब आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ लिया कि नहीं आज? आप गरिमा जाइए जाइए। आओ भाई। अरे दीवाने। ओए रंजीत। मुबारक। अरे जान से भाई। अरे तो आ गया यार। नमस्ते अंकल। हाँ खुश रहो बेटा जीत, खुश। अच्छा तू सुन, मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? तू मेरे साथ तो चल। कुछ बता। मैं बताता हूँ, तू चल चल चल। धीरे धीरे यार, हुआ क्या है? कुछ बताएगा भी? अरे बताता हूँ। दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? अरे रुक ना, बताता हूँ। शराब? दीवाने क्या कर रहा है? तेरी बेटी की शादी आज? अरे यार तू जानता है ना, तू जानता है शाम के 7 बजे ना मेरी दिमाग की बत्ती जल जाती है। आदत है तेरी। और जहाँ तक शादी की बात है, उसी खुशी में दो दो पैक मारते हैं यार। अरे चल चल अपना ओल्ड स्टाइल। मजा आ गया। ए शराब के चक्कर में ये मत भूल जाना, तुझे आज मेरे बेटे के लिए लड़की दिखानी है। अरे तू फिक्र मत कर यार, ले तू खत्म कर। चौकसे जी है ना, चौकसे जी वो आ चुके हैं। अरे उनकी ही तो बेटी है सुजाता। सुजाता सुजाता चाहिए था। किसे घूर रहा है मेरे बांगड़ू? अपने शराब पिए। हाँ पिए। ए, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी माँ है क्या? है पूछेगा नहीं क्यों पी है? अरे तेरे लिए रिश्ता आया है, रिश्ता। देख ना मत करना, लड़की सुशील है, खूबसूरत है, और तो और यही है, इसी फंक्शन में है। डैडी डैडी वैडी कुछ नहीं। अरे कब तक यू अकेला रहेगा? सारा घर खाली खाली रहता है, खाने को दौड़ता है। देख ऐसा कर, अभी एंगेजमेंट कर ले। वैसे भी लड़की अभी ग्रेजुएशन कर रही है, और जैसे उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा ना, शादी। पता है ना डैडू, मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करूंगा। सिंपल है। जानता हूँ मेरे बांगड़ू। लेकिन फिर भी तू नाम नहीं जानना चाहेगा, लड़की कौन है? बताओ 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 बताओ। अरे अपने चौकसी की बेटी सुजाता। Old name, but beautiful girl. Say yes. Say yes, yes. See? Come on. What? उधर देखो। दोनों बच्चों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है ना? सही कह रहे हैं। ये लोग हमेशा मेरे रास्ते का काटा क्यों बनते हैं? जब भी मैं कुछ चाहता हूं, ये लोग मुझसे छीनने की कोशिश क्यों करते हैं? हे भगवान, कितना मजा आया ना। ओहो, वो लड़का कौन था? कौन लड़का? वही जिसके साथ तू डांस कर रही थी। अच्छा वो, पता नहीं होगा कोई जोकर। जोकर?
अब तो ये मत कहना कि मैं उसे पसंद करती हूँ एनोला। वैसे डांस करते वक्त तेरी केमिस्ट्री उसके साथ बहुत अच्छी लग रही थी। चुप करना। अब मेरे चुप होने से दुनिया वाले देखने से तो रहे। तू चुप करना, ऐसा कुछ भी मत बोल। अरे मेरा इयररिंग कहाँ गया? अच्छा तो दिल चुराने वाला इयररिंग्स भी चुरा के ले गया। अब तू ज्यादा बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सुजाता बेटा। जी पापा। तुम्हें किसी से मिलाना है बेटा। जी की आदत है। तुम्हें भी जीतूंगा सुजाता, तुम्हें भी जीतूंगा। अरे ओ मेरे प्यारे बांगड़ू, दरवाजा खोल। अविनी डैड। अरे ओ मेरे बाप, दरवाजा खोल, तुझे खुशखबरी सुनानी है। अच्छा ले बाहर से सुना देता हूं। प्रताप ने सुजाता के माँ बाप से बातचीत की है, वो तुझसे जल्द ही मिलना चाहते हैं। ए बांगडू, देख तू कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना जिससे तेरा इंप्रेशन खराब हो जाए। वो आस पड़ोस के लोगों से तेरे बारे में पूछताछ करेंगे। हैं? मैं इतना धीरे क्यों बोल रहा हूँ? अरे सुन रहा है? करने तो पूछताछ, मेरे बारे में गलत कौन बोलेगा? उन्हें भी तो पता चले कि मैं काम क्या करता हूं। सुजाता एक बड़े द्वंद में फंसने वाली है। एक ही घर से दो लड़कों का रिश्ता उसके दरवाजे पर आएगा, इसकी संभावना साफ दिख रही है। सिर्फ घर वाले ही नहीं, अरुण और अजीत भी पहली ही मुलाकात में सुजाता को पसंद करने लगे। अब सवाल यह है कि अलग हो चुके दो भाइयों का उसकी तरफ ये रुझान सुजाता पर कितना भारी पड़ने वाला है। अगर उसे अरुण या अजीत में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो किसे चुनेगी? किस आधार पर यह तय करेगी कि उसके लिए कौन सही है और कौन गलत? अच्छा सुन, तू घर चली जाएगी या मैं छोड़ दूं? अरे मेरा रोज का रिक्शा ले लूंगी ना। पक्का ना? हाँ चल बाय बाय। हाँ बाय। अच्छा सुन, घर पहुंच के कॉल करना। हाँ हाँ बाय बाय।
ड्यूटी पर जा रहे हैं? रात को ड्यूटी से लेट आना और छुट्टी के दिन भी ड्यूटी पर जाना, मैं पूछता हूं ये हो क्या रहा है इंस्पेक्टर अजीत ओझा? इंप्रेशन जमा रहा हो डैड। अच्छा, जब लड़की वाले हमारे बारे में पूछताछ करे तब उन्हें पता चलना चाहिए ना कि वो अपनी बेटी की शादी किससे करा रहा है। जियो बेटा जियो। चल मैं निकल। चल बाय। हाँ चल बाय। हाँ बाय। हेलो आप? इंस्पेक्टर अजीत, तुम्हारी और मेरी शादी की बात चल रही है, मुझे लगा कि तुम्हारी क्लास खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो ये रुक गया। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रहा हूँ मतलब? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे पता था कि तुम इसी कॉलेज में पढ़ती हो। मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। लेकिन सुजाता, 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 इसे, नो नो, I didn't mean that। मैं बस यही बोल रहा था कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना। मैं अपनी यहाँ नहीं, अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। मैं हाँ निकलती हूँ। ठीक ठीक है ना, मैं तुम्हारे फ्रेंड के यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब निशा राइट, निकुंज विला। आपको कैसे पता? कम ऑन यार सुजाता, पुलिस वाला हूँ, इतना तो पता ही होगा ना। प्लीज यार कम ऑन, आई ड्रॉप यू। देखो मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। देखो यार पीछे भी बैठ सकती हो ना, आगे बैठने की जरूरत नहीं है। कम ऑन यार सुजाता, आई ड्रॉप यू ना, कम ऑन। देखिए आप ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी पर पर्सनल काम करना अच्छा नहीं होता। मैं निकल जाऊंगी, मुझे रिक्शा मिल जाएगी। सुजाता रिक्शा, रिक्शा। थैंक यू। अब बचपना कर रही हो सुजाता। आप यारों क्या क्या कर रहा है? आइए आपको भी ड्रॉप कर देते। ओके। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपसे मिलने आपके कॉलेज के बाहर आया था? हाँ, एक्चुअली पास के हॉस्पिटल में अंकल के चेकअप के लिए आया था। जब से मेरी आंखों की रोशनी गई है, हमेशा अरुण बेटे ने ही मेरे लिए सब कुछ किया है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए अस्पताल में आना, ले जाना, हमेशा मना करता हूँ लेकिन सुनता ही नहीं है। और सुनूंगा भी नहीं अंकल। समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, किस रिश्ते को हाँ कहें, किसको मना करें। जी मैंने कहा रिश्ते तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हाँ सो तो है, अब अजीत सरकारी नौकरी में है, अरुण अपना बिजनेस करना चाहता है। दही है क्या? दही खाना था तो रात को बताते, मुंह में दही जमा के बैठे थे क्या? एक बात कहूं जी, मेरे मन में एक बात खटक रही है। दोनों रिश्ते एक ही परिवार से हैं, कल को शादी के बाद अगर कोई मुझ नीच हो गई तो? तुम सोचती ज्यादा हो, कुछ नहीं होगा ऐसा। पापा आप जानते हैं अजीत गवर्नमेंट की कौन सी जॉब करता है? हाँ बेटा पुलिस में है। हाँ वो पुलिस में है, पर बात क्या है बेटा? मम्मी वो मैंने आपसे और पापा से एक बात छुपाई। कैसी बात? कल रात को जब मैं निशा के घर से बाहर निकल रही थी तभी
बात मुझे कल आकर क्यों नहीं बताई? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मम्मी, कल वो पुलिस की गाड़ी, अजीत का पुलिस में होना, ऊपर से मेरे बारे में सारी जानकारी रखना, मुझे लगता है काम अजीत का ही है। बेटा सुजाता, हमें नहीं लगता ऐसा। अरे अब अजीत तो अगर पुलिस ऑफिसर है तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि ये सब वही करेगा, हो सकता है किसी और ने किया हो। पापा, अजीत आज कॉलेज पे आया था और वो मेरे आसपास होता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जैसे मुझे देखता है, मुझे बात करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन ये भी तो हो सकता है। लेकिन क्या? अगर बच्ची कह रही तो आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? अच्छा शांत हो जाओ, ठीक है, एक काम करते हैं, हम अजीत के रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और अरुण के घर वालों को हाँ बोल देते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। पर मैंने कहा ये तो और भी गड़बड़ हो जाएगी ना, मुझे डर लग रहा है अगर शादी के बाद अजीत ने हमारी बच्ची को परेशान करना शुरू कर दिया तो। तुम भी ना डरती बहुत हो। भाई एक बात बताओ, इतना अच्छा रिश्ता सिर्फ एक आदमी की वजह से हाथ से जाने दें? हाँ भाई, नहीं, हम फैसला कर चुके हैं, हम कल ही जाएंगे अरुण के यहाँ और उसके परिवार वालों से इस रिश्ते के लिए बात करेंगे, ठीक है? नमस्ते जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। अरे अरुण बेटा, सुजाता को घर तो दिखाओ। जी पापा। जाओ मिले। Well, that's impressive. किससे सीखा? पंडित उदय जी। पंडित उदय जी? हाँ। Wow. अच्छा मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? एक मिनट। ये देखो। क्या है? दुबई में मेरी एक अच्छी नौकरी लगी है। वो क्या है ना कि मेरे डैड दिल्ली में बिजनेस करते थे और फिर उन्हें बिजनेस में धोखा मिला, यहां तक कि मैं खुद का घर तक बेचना पड़ गया। फिर हम यहां आ गए भोपाल में दादाजी के घर पर। यहां सुकून नहीं है। मैं अपने मॉम डैड को ना सारे सुख देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ दुबई ले जाना चाहता हूँ। शादी का तो कोई प्लान था नहीं, और अब जब तुम मेरी जिंदगी में आ रही हो तो मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ दुबई चलोगी या फिर यहीं रहना है? अब जब तुम अपने मम्मी पापा के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हो तो उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हेलो 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 हाँ सक्सेना जी, आवाज नहीं आ रही आपकी यहाँ। हेलो हाँ 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 जी बेटर, अब आवाज आ रही है आपकी। नहीं नहीं, मैं एक घर के किसी काम से निकला हूँ, मैं मिलूंगा आपसे। नमस्ते अंकल। सक्सेना जी, हम आपको फोन करते हैं। जी हाँ, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ अंकल। अब अंकल बस मुझे ये बताइए, दो दिन में आपको मेरे बारे में ऐसे क्या पता चल गया कि मैं आपके लिए बुरा हो गया? आप नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप वहां क्या कर रहे हैं? आपको तो यहां होना चाहिए। वो बेटा सुजाता की शादी सिर्फ मेरे साथ होगी, सिर्फ मेरे साथ।
क्या हुआ? पापा, पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। कुछ कह के गया वो? नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। अच्छा पापा, सुनिए ना, वो मैं कह रही थी कि मैंने फैसला कर लिया है, अरुण से शादी के बाद मैं दुबई चले जाऊंगी। सुजाता के लिए अजीत भी नया है और अरुण, दोनों चचेरे भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर व्यक्तित्व की बात करें तो अरुण ने सुजाता के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है। शायद उसका अच्छा और नेक व्यवहार सुजाता को भा गया है, लेकिन अजीत इस बात को कैसे पचाएगा ये बड़ा सवाल है। सुजाता ने अरुण को चुन लिया है, ये बात जब अजीत को पता चलेगी तो इस रिजेक्शन का क्या रिएक्शन होगा। से बेहतर है, निकालता उसका काला चिट्ठा। अरे आकाश, वो जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस से फाइल आई है वो दिखाना जरा, देखें तो किसका किसका नाम है जो विदेश यात्रा पे जा रहा है। अभिषेक पांडे, भानु उपाध्याय, अरुण ओझा, शिफाली सागर, चंडेला। सर पहले जा। अरुण ओझा, अब होगा तुम्हारा वेरिफिकेशन। मेरे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन लटक गया है, या तो दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा या तो फिर किसी बड़े पुलिस ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। डोंट वरी, वो अजीत ना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीखा लग रहा है। तीखा लगा? एक मिनट, पानी लेके आता हूँ। रिया, एक पानी की बोतल दो जल्दी। 500 का चेंज है। I'm sorry। तुमने मुझे अभी टच किया। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। क्या गलत फहमी? तुम जैसे ना लड़के लड़कियों को छूने के बहाने ढूंढते हो। अरे मैं पानी ले रहा था, आप वहाँ से आई और। दो मिनट रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। दो मिनट में तुम्हारे ना सोशल मीडिया पे वायरल करती हूँ वीडियो, पूरी दुनिया देखेगी तुम्हें। अरे लेकिन आप बात तो सुनिए मेरी। देखिए, ये लड़का जो है लड़कियों को छू रहा है और सॉरी बोल रहा है। आप क्या कर रही? ये यही लड़का है वो। अरे आप जबरदस्ती मुझे ब्लेम कर रही है। टच मी, अरे चुप बैठो। तुम इसलिए तुमने टच किया? देखिए इनको गलत है, कैसे सॉरी बोल रहा है। एक मिनट, ये मेरे साथ है। देखिए, ये लड़के ने मुझे अभी टच किया और ऊपर से सॉरी बोल रहा है। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए, इसने मुझे टच किया। आपको कोई लड़के को छाड़ता है? सर, आपको जो चाहिए था वो हो गया, इसने कांड कर दिया, फंस गया जाल में। चलो चलो चलो, साइड हटो। क्या भाई, सादा लगा क्या? ऐसा है भैया, अब तो आप बैठेंगे थाने में और आपका जो पासपोर्ट है ना वो तो बनने से रहा। एक मिनट, अरुण ने कुछ नहीं किया। वो हम डिसाइड करेंगे किसने क्या किया और क्या नहीं। वो लड़की झूठ बोल रही है, कहाँ है वो? अरे अरे, अरे लड़की कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? यही तो खड़ी थी। यही तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। सर, लड़की गायब हो गई है। एक मिनट, जब लड़की है ही नहीं तो आप इसे गिरफ्तार कैसे करेंगे? लड़की हम ढूंढ लेंगे। पहले आप लड़की ढूंढिए, फिर इसे गिरफ्तार कर। सर, लड़की ठीक बोल रही है, वरना केस थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा। इस बार तो छोड़ रहा हूं, मगर आगे बचेगा नहीं। चलो रे।
दुख रहा है? नहीं। चलो लेट्स गो। मैं 2 मिनट में कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ क्या रे हीरो, वह वर्दी में था ना, इसलिए तेरे पे हाथ नहीं उठा पाया। सुजाता के सामने अच्छा होने का ढोंग करता है। अजीत मेरी बात सुन। अंकल अंकल, बाहर अरुण और अजीत लड़ रहे हैं। लड़ेंगे ही, ये जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। आप चलिए और उनकी लड़ाई रुकवाइए प्लीज। चलिए अंकल, चलिए ना प्लीज। अच्छा चलो। वो दोनों कब से लड़ रहे हैं? मैं अरे कहाँ है? अभी यही थे वो, यही लड़ रहे थे वो। अंकल मैं सच कह रही हूँ। सारा मूड खराब कर दिया। एक मिनट, कहीं अजीत ने अरुण को। मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मेरी कंप्लेन लिखिए, वो अजीत अरुण को उठाकर ले गया है। सुन रहे हैं ना आप? मैडम मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि अजीत सर कल दोपहर के राउंडअप के बाद से शहर में ही नहीं, वो छुट्टी पर है। अच्छा इस शहर में ही नहीं? आप मेरी कंप्लेन लिखेंगे या नहीं? नहीं तो फिर मैं जाके सोशल मीडिया में बताऊं कि पुलिस पुलिस के खिलाफ FIR नहीं लगती है। अरे ऐसी बात नहीं है, हम सच कह रहे हैं, विद्या कसम। देखिए आप कंप्लेन लिखेंगे या नहीं कि मैं जाऊं? नहीं लिखेंगे। आप बैठिए बैठिए। बताइए सुजाता, बेटा तूने अजीत के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ लेकिन आप लोगों को कैसे पता? ये ले। अगर अरुण को जिंदा देखना चाहते हो तो सुजाता से कहो कि मेरे खिलाफ की गई पुलिस कंप्लेन वापस ले ले और जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपए आज शाम तक तैयार रखो। अरुण के फटीचर माँ बाप तो पैसे दे नहीं सकते, अब तुम्हें तुम्हारे दामाद की जान बचाने के लिए 5 लाख रुपए दोगे। शाम तक बताऊंगा कि पैसे कहाँ लाने हैं। मैंने कहा जी चलिए पुलिस स्टेशन चल के पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। मम्मी जो पुलिस उसे ये बता सकती है कि मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन की है, वो ये भी तो बता सकती है कि धमकी भरा लेटर ये मैंने पुलिस को दिया है। देख सुजाता तू घबरा मत, तेरी शादी के लिए जितने भी सेवर गहने पैसा जो कुछ भी जमा किया है ना सब दांव पे लगा दूंगा बेटा, लेकिन अरुण को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे मेरी कंप्लेंट वापस लेनी। ओहो अब क्या हो गया? ओ रात के अंधेरे में मैं पहचान नहीं पाई, शायद वो अजीत नहीं थे। मैडम हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोशल मीडिया को बुलाकर हमारी रिकॉर्डिंग करवा रही हो और हमें फंसा दें? जी नहीं। तो फिर ठीक है, यहां साइन कर दीजिए। देखो अजीत गोली मत चलाना। अरुण अरुण क्या हो रहा है वहाँ पे? देखो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। सुजाता तुमने पुलिस कंप्लेंट वापस लेकर अच्छा किया। तुम्हें कैसे पता चला? वो अजीत ने मुझे अभी बताया। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ मैं। सुजाता तुम शाम को 4 बजे नगर के आखिरी स्टॉप पर मिलना। वहाँ एक बड़ा सा कचरे का डब्बा होगा, उस पर पैसे फेंक कर चली जाना। सुजाता पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना? मेरी जान बच जाएगी ना? अरे फोन मत छीनो मुझे बात करो। हेलो अरुण,
जल्दी कहाँ चला गया? भाई, मैंने कहीं सुना है कि बकरे को हलाल करने से पहले उसे पानी पिलाते। तुम्हें क्या पिलाऊं? अरे लेकिन तुम पियोगे कैसे? तुम्हारा तो मुंह बंद है। एक मिनट, जान से मार दूंगा तुझे मैं। चाकू मेरे हाथ और जिंदा आप नहीं बचोगे। मुझे मारेगा ना तो फांसी पे चढ़ेगा। कैसे पुलिस वाले हो आप, इतना नहीं समझ पाए? अरे सब कुछ प्लान किया मैंने, एवरीथिंग। दुनिया की नजर में आपने मुझे किडनैप किया, मैं बच जाऊं। पता है आपको मारने के बाद मैं क्या बोलूंगा? कि भाई ने मुझे किडनैप किया, भाई ने मुझे बांध कर रखा। मैं भाई से कहा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई कहता मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ू। उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला, मैं बचने के लिए पीछे हटा, पीछे जाता रहा। वो चाकू लेकर मेरी तरफ आगे बढ़े, वो मुझे मारने ही वाले थे कि अचानक मैंने उन्हें पुश किया और चाकू सीधा उनके पेट में। मैं क्या करता? मुझे अपने आप को बचाना था। सेल्फ डिफेंस, यू नो, सेल्फ डिफेंस। और इस तरह मैं फ्री होकर निकल जाऊंगा। घर भी मेरा, पैसे भी मेरे, परसों जाता भी मेरी। अरुण भाई क्यों कर रहा है ये सब? क्यों क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्मार्टनेस, तुम्हें मिला हर मेडल, मुझे यहां मेरे दिल में लगता था, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराता रहता था। मुझे मुझे सिर्फ एक मौके की तलाश थी, एक मिला मुझे जब मुझे ये पता चला कि आपकी और सुजाता की शादी की बात चल रही है। मैंने तुरंत उसे अपनी शादी का प्रस्ताव भेज दिया। एक बात और, आपको बदनाम करने के लिए सुजाता पर अटैक मैंने किया था, और आपके अपने हवलदार चंदेला, हाँ, उसकी मदद से मैं उस जीप से बाहर निकल गया। हवलदार चंदेला, उसी की मदद से पान की दुकान में वो लड़की प्लान की और उसे वहां से गायब किया। पुलिस स्टेशन की हर खबर मुझ तक पहुंचती थी, और उसी के एक आदमी को अंधा बनाकर उसकी मदद से तुम्हारी आंखों के सामने से मैं सुजाता को ले उड़ा। इतनी बड़ी साजिश रची तूने? करनी पड़ी भाई, करनी पड़ी, क्योंकि 100 अजीत की एक अरुण की। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पानी पीकर मरोगे या नहीं, मतलब जब मरोगे तो सीधा ऊपर जाओगे? जब जाओगे तो दादाजी को मेरा प्रणाम कहना। अरुण okay? करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं कर सकता मैं। अरुण मत कर, अरुण
रुक जाओ। वरना गोली मार दूंगा। सुजाता, ये अजीत। पकड़ो इसे। अजीत, आप लोगों को कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? मैडम ने बताया। और तुम्हें? फिरौती लाने की जगह आपने नहीं, इसने बताया। और फिरौती के लिए भी कोई फोन नहीं आया, एक लेटर आया। जब सारी दुनिया को पता है कि किडनैपिंग आपने की है, तो आप सबके सामने क्यों नहीं आ रहे? तभी मुझे लगा कि सारा खेल उल्टा है और मैं सही थी। अरुण, मैंने तुम पे विश्वास किया और तुमने। ले चलो इसे। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार के सदस्य जब चूल्हा चौका अलग कर लेते हैं, तो बंटवारा सिर्फ घर और कमरों का नहीं, दिलों का भी हो जाता है। अजीत और अरुण चचेरे भाई थे, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ नाम का था। इसीलिए भाई होते हुए भी अरुण ने अजीत को टारगेट किया, खुद को अच्छा और अजीत को बुरा साबित करने की हर संभव कोशिश की उसने। अजीत की छवि सुजाता के सामने नेगेटिव बने, इस नीयत से लगातार साजिश रची गई और इसका असर भी हुआ। बुरे को भला और भले को बुरा समझने का भ्रम हमें इसलिए होता है क्योंकि अक्सर हम चीजों का आकलन सतही तौर पर करते हैं और ये मान लेते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है। सुजाता को अरुण की अच्छाइयां तो दिखी, लेकिन क्या यही उसकी असली पहचान है या फिर सब कुछ बनावटी और खोखला है? सुजाता ने ये सवाल खुद से कभी नहीं किया। सुजाता ने अगर एक बार भी ऐसा सोचा होता तो अरुण शायद बहुत पहले बेनकाब हो गया होता। बहरहाल, अरुण को परखने में भले ही सुजाता से चूक हुई, लेकिन बिगड़ते हालात को परखने में उसने चूक नहीं की। और इसी का नतीजा है कि आज उसका भविष्य सुरक्षित है और अजीत अपने भाई के जंगल से आजाद और असल अपराधी जेल में है। मेरी आप सबसे फिर एक बार वही विनती है कि जब भी मामला शादी ब्याह का हो तो इंसान को समझने और परखने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।